क्या हो रही है? हाँ क्या कर रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी बेटी कॉलेज जाने का तैयार बैठी है और तू यहाँ पर ये क्या कर रही है? मम्मी जी वो मैंने सोचा ना कि पहले किचन की सफाई कर देती हूँ, किचन गंदा हो रहा था, उसके बाद नाश्ता बना दूँ। क्या सोचा तूने? क्या सोचा? ज्यादा ना दिमाग मत लगाया कर, तुझे दिखाई नहीं देता है मेरी बेटी कॉलेज जाने का लेट हो रही है और तेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है साफ सफाई? क्या इम्पोर्टेंट तेरे लिए? हाँ बोल। एक काम कर, जल्दी से उसके लिए नाश्ता तैयार कर और मेरे लिए गर्मा गर्म कप चाय तैयार हो जानी चाहिए, समझी? ठीक है। दिमाग खराब कर दिया इस बहू ने तो। अरे मेरा प्यारा बच्चा तैयार हो गई? हाँ मम्मी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना बेटा। मम्मी वो हम सारे फ्रेंड्स ना मिलके पार्टी कर रहे हैं, मुझे भी उनके साथ पार्टी में जाना है। हाँ तो जाना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ मम्मी, बट पार्टी में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कितने पैसे चाहिए बता? पैसे ज्यादा नहीं, बस 20,000। बस 20,000 रुपए? इतना डर डर के पूछिए ऐसा लग रहा है कि तिजोरी खाली करवा देगी। रुक, देख मेरे पास कैश नहीं है लेकिन तू मेरा कार्ड रख 6263, तुझे जितने पैसे निकालने ना निकाल लेना, ठीक है? थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। चलो मम्मी मैं चलती हूँ। तू नाश्ता नहीं करेगी? नहीं मम्मी, बाहर ही खा लूंगी, मैं बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, अभी मुझे जाना है, बाय। ठीक है बेटा। ये बहू भी ना नाश्ता समय पर कभी भी नहीं बना पाती, मेरी बेचारी बेटी फिर से खाली पेट चली गई। ओ चाय मिलेगी कि वो भी नहीं मिलेगी? अरे मम्मी जी, साक्षी चली गई क्या इतनी जल्दी? तो पूरे दिन तेरे नाश्ते का इंतजार करती रहेगी, आज भी भूखे पेट चली गई है कॉलेज। मम्मी मुझे नहीं पता था कि साक्षी इतना जल्दी चली जाएगी। अच्छा तो गलती साक्षी की है, उसे 2 घंटे तेरे नाश्ते का इंतजार करना चाहिए था, चाहे उसका कॉलेज मिस हो जाए, है ना? चल ये सड़ी सी चाय दे अब। वो मम्मी जी मेरे को ना 2,000 रुपए चाहिए थे। क्या 2,000 रुपए? किस खुशी में? वो कल मैं डॉक्टर के पास गई थी ना तो उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया है, तो वही मेडिसिन लेनी थी इसलिए चाहिए 2,000। झूठ ना अपने पास रखा कर, ये रोज रोज झूठ बोल बोल के ना मेरे से पैसे मत ऐंठा कर, और वैसे भी कहाँ से बीमार लग रही है, जब देखो नौटंकी करती रहती है। पर तेरे को रोज रोज ऐसे पैसे चाहिए ना तो अपने बाप से ले ले जाके, चल निकल यहाँ से, पैसे देंगे इसको। सड़ी सी चाय के लिए 2 घंटे लगा दिए। बेटा देखना मेरे पास बैंक से कैसे मैसेज आया, 0 बैलेंस, मेरे अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे थे, कहाँ चले गए? अरे मम्मी आप ध्यान से याद करिए ना, क्या पता आप ही ने पैसे खर्च करे और आपको याद ना हो, भूल गए हो आप। बेटा तूने मेरे से डेबिट कार्ड लिया था ना, सच सच बता तूने कितने पैसे निकाले? मम्मी वो मैंने आपसे 20,000 रुपए की बोली थी और मैंने 20,000 रुपए लिए हैं, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया। आप कैसी बातें कर रहे हो मम्मी, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? मेरे पैसे कहाँ चले गए? हाँ क्या पता मम्मी आपके पैसे भाभी ने लिए हो, मुझे ना वो शक्ल से भी चोरी लगती है, और क्या पता उसने चुरा लिए हो सारे पैसे। ए कंगले खानदान की, माँ बाप के पास कुछ पैसा तो है नहीं, तो सोचा होगा मेरे पैसे ले ले। और हाँ उसने कल 2,000 रुपए मांगे थे, मैंने देने से मना कर दिया था, तो खुंदस में ना उसने मेरे पैसे ले लिए होंगे। हाँ चोर कहीं की। हाँ मम्मी आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने उसको पैसे दिए नहीं होंगे, अब कोई और तरीका उसे सूझा नहीं, उसने सोचा पैसे चुरा लेती हूँ, चोर है मम्मी एक नंबर की। आप ही जाकर पूछते, रुक आज तो उसकी खैर नहीं। साक्षी को मेरा डेबिट कार्ड रखते हुए देखा था कि नहीं देखा था? मम्मी मैंने देखा था साक्षी को डेबिट कार्ड रखते हुए, लेकिन मैंने नहीं चुराए पैसे। मुझको गलत फहमी हो रही है, चोर कहीं की, तुझे पिन भी पता है ना, तूने ही मेरे पैसे चुराए, डेबिट कार्ड कहाँ से लिया तूने बता मुझे। नहीं मम्मी मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। साक्षी साक्षी तुम तो मम्मी को समझाओ ना कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, तुम्हें तो पता है ना मुझे तो डेबिट कार्ड यूज करने भी नहीं आता। मम्मी आपको तो पता है ना मैं कैसे पैसे चुराऊंगी। कितनी छोटी है ये, हाँ तूने मेरे पूरे पैसे चुरा लिया और ये नाटक कर रही है यहाँ पर। गरीब खानदान से आई है, माँ बाप के पास 1 भी रुपया नहीं है, तो तूने सोचा मेरे पैसे चुरा ले। और हाँ कल तूने मुझसे 2,000 रुपए भी मांगे थे ना, और मैंने तेरे से मना कर दिया, तो तूने मेरे पैसे चुरा लिए। अच्छा अभी तेरे को दर्द हो रहा है ना, अब जब मैं पुलिस के पास जाऊंगी ना, जब पुलिस डंडे मारेगी तब तुझे पता चलेगा। मम्मी मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैंने चोरी नहीं करी, और आप मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है,
धर्मेंद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, देखो मम्मी जी ने मेरे साथ क्या किया। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है चोरी का, और कह रही है कि मुझे पुलिस स्टेशन भेजेंगे, जबकि मैंने कुछ चोरी भी नहीं करी है। तुम समझाओ ना इनको कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें तो पता है ना, देखो कितनी झूठी लड़की है, कैसे रो रो के मेरे बेटे को उल्लू बना रही है। वो सब जानता है कि तू कैसी है, चोर कहीं की। अरे एक मिनट प्लीज, आप लोग चुप हो जाइए और मुझे कोई बताएगा आखिर हुआ क्या है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। बेटा इसने मेरा पूरा बैंक अकाउंट खत्म कर दिया, चोरी की है इसने, चोरी। रिंकी ये क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या सच में तुमने पैसे निकाले हैं? धर्मेंद्र तुम्हें तो पता है, तुम तो मेरा भरोसा करो, मैंने नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ, एकदम झूठ बोल रही है। इसने साक्षी को डेबिट कार्ड रखते हुए देखा था और किचन से पिन भी सुन लिया, तो इसने मेरे पूरे पैसे चुरा लिए। गरीब घर की, चोर कहीं की। एक मिनट माँ, रिंकी कोई चोर नहीं है, चोर असल में कोई और है। ये सारे पैसे ना साक्षी ने निकाले हैं आपके अकाउंट से। क्या? हाँ साक्षी, मुझे एक बात बताओ, तुमने मम्मी के अकाउंट से कितने रुपए निकाले थे? बस 20,000 भैया। 20,000? माँ साक्षी की फ्रेंड ने मुझे सब कुछ बता दिया है, किस तरीके से इसने पार्टी में नशे में सारे पैसे उड़ा दिए। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? माँ ने तुम्हारे एक कहने पर तुम्हें 20,000 रुपए दे दिए, उसके बाद भी तुमने सारे पैसे उड़ा दिए, यही संस्कार दिए तुम्हें माँ ने? हाँ साक्षी बेटा, तूने पैसे निकाले और जब मैं तुझसे पूछ रही थी तूने कुछ बोला ही नहीं, तू बोली क्यों नहीं? अरे तू बोल देती ना, तूने पैसे लिए तो क्या हुआ, तू मेरी औलाद है, तू पैसे ले सकती है ना बेटा, क्या हो गया, डर क्यों रही थी इतना? माँ आई एम रियली सॉरी, वो मैं थोड़ा सा डर गई थी और मुझे बहुत डर लग रहा था आपको बताने में, क्योंकि मैंने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, वो भी आपसे बिना पूछे नशे में, इसलिए। मैं और गुस्सा करूंगी कि तूने पैसे ले लिए। बेटा ये सब तेरे लिए तो है, तूने ले लिए तो ले लिए, इसमें क्या हुआ? सच सच बता देती ना, मैं इतनी देर से परेशान हो रही थी। मम्मी आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं आपसे बिना पूछे एक रुपया भी खर्च नहीं करूंगी मम्मी, बट प्लीज अभी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कोई नहीं बेटा, सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तू परेशान मत हो, ठीक है? अच्छा माँ, साक्षी ने पैसे निकाले हैं तो कोई बात नहीं, इसका हक है, ये निकाल सकती है, और अगर इसकी जगह सच में रिंकी ने पैसे लिए होते तो आज आप रिंकी को घर से बाहर ही निकाल देती, जिस तरीके से आप इसे धक्के मार के बाहर निकालने जा रही थी। अरे इसका क्या कसूर है माँ, जो आप इसके साथ इस तरीके का बिहेव करती हैं? आपको पता है ये अपने घर को छोड़ के इस घर में आई है ताकि इस घर को ये अपना सके, एक परिवार बन के रह सके हमारे साथ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं इस घर को परिवार बना के रखूँ, पर मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इसको एक्सेप्ट भी कर रही हैं, आपका इसके साथ रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है, आप हमेशा इसको किसी न किसी बात पे टोकती रहती हैं। अरे आखिरकार इसकी गलती क्या है माँ, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? अरे वो भी लड़की है, अगर आप इसके साथ कुछ गलत करेंगी तो इसको भी दुख होगा माँ, इसकी भी फीलिंग्स हैं। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, सच में इस तरह से मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो हमेशा ही तेरे को गलत समझती रही थी कि तू गरीब घर की है, तूने ही चोरी की होगी। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर दे, मुझसे सच्ची में बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं मम्मी जी, आप प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं कभी चोरी करूँ या किसी बड़े को अपने आगे झुकाऊँ। लेकिन हाँ मम्मी, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी अपना सब कुछ छोड़ करके आपके घर आए, आप मुझे अपनी बेटी ना सही, कम से कम मुझे इंसान तो समझ ले। बाकी कोई बात नहीं मम्मी, आप प्लीज़ मेरे से माफ़ी मत मांगिए। धर्मेंद्र थैंक यू, तुम टाइम पे आ गए, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। सॉरी बेटा, तू भी मुझे माफ़ कर दे, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखा माँ, आपने कितना कुछ सुनाया इसको, ऊपर से हाथ भी उठाया, घर से बाहर निकालने की भी धमकी दी, फिर भी इसने आपको एक पल में ही माफ़ कर दिया, क्योंकि ये बड़ों की इज्जत करना जानती है माँ, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आपको अपनी गलती का एहसास है आज, और आप अपनी गलती की इससे माफ़ी भी मांग रही हैं, मुझे अच्छा लगा माँ, पर मैं आशा करता हूँ कि आगे से आप इसके साथ कभी भी इस तरीके का बिहेव नहीं करेंगे माँ, ये सच में बहुत गलत है। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बेटी के प्यार में अंधी हो गई, मुझे उसकी गलती दिखी नहीं, जब देखो
बहू को उल्टा सीधा सुनाती रही। प्लीज तो मुझे माफ कर दे, और बेटा आज के बाद मैं तुझे भी अपनी बेटी मानूंगी। चक्कर नहीं मिले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा, और इस वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप दूसरे को सही नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को सही कर सकते हैं। और आपको अगर किसी के अंदर कमी ढूंढनी है ना, तो अपने अंदर ढूंढिए। आप दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन आप अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।